आवाज नहीं आ रही सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ म्यूट। ठीक है, फाइन। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास में। जो डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 ऑफ बिजनेस स्टडी। एंड चैप्टर 4 का नाम क्या है चीनू? प्लानिंग। प्लानिंग गुड। सो पहला टर्म यही आ जाता है कि प्लानिंग होता क्या है। व्हाट इज प्लानिंग? इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड होम टू डू। यस, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम टू डू। यानी के क्या करना है, कैसे करना है और उस काम को कौन करेगा, ये आपका प्लानिंग होता है। इस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, यानी के क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। इस प्लानिंग में हम रखते हैं, डिसाइड करते हैं कि डिसीजन मेकिंग, मतलब बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस एंड क्या क्या फैक्ट्स रहेंगे उनको देखेंगे, और यही सारी चीजें हमारी प्लानिंग की पार्ट रहेंगी। इसमें हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लोगों को असाइन करते हैं कि कौन करेगा, कैसे करेगा, तो वो सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं। तो ये हमारा प्लानिंग कहलाता है। ये बात समझ में आ गई चीनू, रिया? हाँ ठीक है ना। अब प्लानिंग के अगर हम बात करें तो प्लानिंग के इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का सबसे पहला टाइम होता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमें जो काम करना है उस काम को कैसे करना है, कौन करेगा, क्या ऑर्डर हमें फॉलो करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी है, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो सारी की सारी चीजें अगर हम प्लानिंग लेके चलेंगे तो पहले से पता होगा। तो प्लानिंग हमें क्या करता है कि किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, ये डिटरमाइन करता है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अच्छा इसको एक जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बरसात का मौसम है और हम अपने साथ रेनकोट लेके चल रहे हैं, तो क्या रेनकोट रखने से
बारिश नहीं होगी चीनू, होगी, होगी लेकिन रेनकोट रखने से हमें क्या फायदा है? सर, हम भी हम भीगेंगे नहीं, यानी कि हमारे पास जो सामान है, जो जरूरत की चीजें हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। बेसिक सी बात यह है। तो ये क्या कर रहा है? सेम वही चीज है कि अगर हम पहले से प्लानिंग में चलेंगे तो जो नुकसान है, उस नुकसान, अगर कोई भी अनसर्टेनिटीज है जिसका हमारे बिजनेस को सामना करना पड़ सकता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं फ्लड आ जाए या भूकंप आ जाए, इस तरीके की जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर हम पहले से प्लान्ड हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उनसे होने वाले जो लॉसेस हैं, उन लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस में देखो, ना ही प्रॉफिट सर्टेन है, ना ही लॉस सर्टेन है। बट एक चीज है कि हाँ भाई, बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और उन चैलेंजेस के वजह से बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना है? उस उन चैलेंजेस के वजह से बिजनेस को जो भी नुकसान हो सकता है, उस होने वाले नुकसान को हमें रिड्यूस करना है। तो वो जो अनसर्टेनिटीज है, उनको रिड्यूस करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हम काफी सारी चीजें पहले से प्लान में लेके चलते हैं और उसके ऑल्टरनेटिव्स हम पहले से तैयार करके चलते हैं। तो ये समझ में आ गया? हाँ सर, नाउ नेक्स्ट है आपका प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखो, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए लोगों को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देते हैं, लोगों के टास्क असाइन कर देते हैं। तो सबको अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने टास्क पता होते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ओवरलैपिंग और रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। जिसके वजह से जब सबको अपने अपने टास्क पता है, सबको अपने अपने ड्यूटीज पता है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो ओवरलैपिंग है या वेस्टफुल एक्टिविटीज है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये प्लानिंग का हमारा थर्ड बेनिफिट है। ये समझ में आ गया चीनू एंड रिया? हाँ सर। ठीक है, नाउ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। देखो, यहां पे क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि मैनेजमेंट हमेशा जब प्लानिंग की तरफ जा रहा होता है, तो मैनेजमेंट क्या करता है कि एक है ना, जो इनोवेटिव चीजें होती हैं या इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। उसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो फ्यूचर में अच्छा एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो प्लानिंग क्या करता है? इनोवेशन आइडियाज को प्रमोट करता है। तो ये हो गया प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, ये समझ में आ गया? फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो, आप मेरे एम्प्लॉइज हो, और मैंने प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए पहले ही बताया कि अगर हमें इस साल अपनी सेल्स, मान लेते हैं इस मंथ हमें हमारी जो सेल्स है वो हमें 1 करोड़ की टच करनी है। ठीक है, हमें अपनी सेल्स 1 करोड़ की टच करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो वो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, वो कितना ऑफर कर सकते हैं? बाय वन गेट वन का क्या ऑफर हम ऑफर कर सकते हैं? तो इससे क्या होता है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो वहीं काउंटर पे जब कस्टमर के साथ डील कर रहा होगा, तो कस्टमर जब उसको डिस्काउंटिंग के लिए बात करेगा या कुछ ऑफर्स के लिए बात करेगा, तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या जो जो सेल्स मैनेजर है, वो इमीडिएटली डिसीजन ले पाएगा। क्योंकि ये डिस्काउंट देना या ऑफर कस्टमर को देना, ये हमारे प्लानिंग का ही पार्ट था। तो जो एग्जीक्यूटिव जिसको हमने अपॉइंट कर रहा था, जो कस्टमर डीलिंग कर रहा था, उस एग्जीक्यूटिव को क्या हुआ? डिसीजंस लेना आसान लगा, वो जल्दी से क्विक डिसीजंस ले सका। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जिससे प्लानिंग क्या करता है? फैसिलिटेट करता है हमें डिसीजन लेने में। ठीक है, देन आता है प्लानिंग
फैसिलिटेट या स्टेबलाइज द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टेबलाइजेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है या स्टाफ लेट आ रहा है लेट जा रहा है, ठीक है, या प्रोडक्टिविटी है स्टाफ की कम है, तो जब हमारा प्लानिंग का पार्ट होगा, प्लानिंग का पार्ट का मतलब क्या है भाई, अगर मान लो मैं एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे वीकेंड में 50 मोबाइल फोन बनाने हैं और मेरा एक एम्प्लॉय एक दिन में सिर्फ दो मोबाइल फोन बना पा रहा है, तो मुझे ये पता रहेगा कि कितने एम्प्लॉय की जरूरत है और इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कितनी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करके देनी है, सो दैट मेरा वीकेंड का जो टारगेट है, जो मेरे को वीक के एंड तक मोबाइल फोन बना के सेल करना है, वो टारगेट मेरा अचीव हो पाएगा। तो दैट मींस जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस है, मैं उस पर कंट्रोलिंग एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है, उन पे मैं कंट्रोलिंग एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं, ये क्या है, ये मेरे लिए एक कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर प्लानिंग है तो ये कंट्रोलिंग के जो पॉइंट्स हैं, ये बड़े आसानी से एग्जीक्यूट हम लोग कर पाते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर हम पहले से प्लानिंग लेके चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई चीनू एंड रिया? हाँ सर, ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, अब प्लानिंग का सबसे पहला फीचर है हमारा एक्टिविटी रिलेटेड वन टाइप ऑफ वो एक्टिविटी रिलेटेड वन टाइप ऑफ क्या, फंक्शन ग्रुपिंग अंडर वन डिपार्टमेंट, एक्टिविटी रिलेटेड वन टाइप ऑफ प्रोसेस अंडर प्लानिंग वन डिपार्टमेंट, फोकसेस ऑन, एक्टिविटी रिलेटेड टू द वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ग्रुपिंग अंडर वन अचीविंग डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्टिव। चिनू इसमें द एक्टिविटी रिलेटेड वन टाइप ऑफ फंक्शन अंडर वन डिपार्टमेंट, एक्टिविटी रिलेटेड पहला क्या है, प्लानिंग फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल होते हैं, उनको अचीव करने में। मतलब प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करता है और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो भी डिसाइड करता है, बताता है। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई सीधी सी बात है, जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को जब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही असाइन नहीं करोगे, तो वो लोग अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, उनके लिए वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं होगा। जब तक आप प्लानिंग को के अकॉर्डिंगली लोगों को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, परफॉर्मेंस पैरामीटर, डेली आस्किंग रिपोर्ट्स क्या है, वो सारी चीजें अगर उनको नहीं बताओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, मेन फंक्शन, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो है प्लानिंग। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है हर जगह पे एप्लीकेबल होने वाला, यानी कि प्लानिंग जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल कैसे है, आप एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाओगे वहां पे भी आपको प्लानिंग का देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वहां जब रेस्टोरेंट में जाओगे तो वेटर आएगा, आपसे ऑर्डर लेगा, फिर वो ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर वो कस्टमर के लिए ऑर्डर बनेगा खाने का जो भी उसने ऑर्डर प्लेस करा है, फिर वेटर सर्व करेगा, फिर बिलिंग होगी। तो ये एक कस्टमर डील करने का एक तरीका होता है जो कि हर एक और रेस्टोरेंट फॉलो करता है। सेम ऐसे ही अगर आप अपने घर में कोई प्लानिंग फंक्शन, फैमिली फंक्शन अटेंड करेंगे, तो उस फैमिली फंक्शन को भी आप बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते हो। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी विदाउट प्लानिंग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो प्लानिंग क्या होता है, परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब कि हर जगह पे एप्लीकेबल है ये, चाहे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो
किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग एग्जीक्यूट होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। अब देखो यहां पे क्या होता है कि आपने जो प्लानिंग फ्रेम करी है उस प्लानिंग को आप क्या कर रहे हो, तो वो आप इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट करने के बाद आप फॉलो अप लेते रहोगे, चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है, रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे तो आपको फिर से प्लान चेंज करना पड़ेगा, कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा। अब वो जब नया प्लान सक्सेस हो जाएगा तो आपको नए प्लान को ही, जो सक्सेस हुआ है उसी प्लान को आपको रिपीटेटिव एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तो प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट्स है वही कभी खत्म नहीं होते, और प्लानिंग जब खत्म हो जाएगी तो फिर समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बची। तो ये है प्लानिंग का एक नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या हुआ, जो प्लानिंग की जाती है वो की जाती है आने वाले गोल्स को अचीव करने के लिए। आप जो टारगेट डिसाइड करते हो, आप जो गोल डिसाइड करते हो, वो प्रेजेंट के लिए डिसाइड करते हो, ना कि फ्यूचर, जो वो फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हो जो आप अचीव करना चाहते हो, ना कि प्रेजेंट के लिए आप डिसाइड करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें आने वाले साल में अपने बिजनेस टर्नओवर को डबल करना है, तो ये फ्यूचरिस्टिक है। अभी तो डबल नहीं हो सकता, लेकिन हम फ्यूचर में जो गोल अचीव करना चाहते हैं उन फ्यूचर गोल्स को मीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। सेल्स डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपनी सेल्स टीम बढ़ानी पड़े, हो सकता है मटेरियल की प्रोडक्टिविटी डिलीवर करने के लिए उतनी आपकी प्रोडक्शन टीम बनानी पड़े। तो ये सारी चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती है, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भाई देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, हर एक चीज जो प्लान होता है, अगर आप प्लान पहले से करके चल रहे हो तो आपको पता है कि जब प्लान के अकॉर्डिंगली क्या चीज हो रही है तो आप क्या परफॉर्म करेंगे। सो दैट मींस आपको जो डिसीजंस लेने हैं वो क्या होता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो भी डिसीजंस लेने हैं वो प्लानिंग के हिसाब से ही लोगे, क्योंकि आप पहले ही प्लानिंग करके चलते हो और आपको पता है कि प्लानिंग में जो चीज आपने डिसाइड की है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो उन चीजों का एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड जैसे हमारे जो अल्टरनेटिव एक्टिविटीज होंगी या हमारे अल्टरनेटिव प्लान्स होंगे, उन प्लान्स को में से कौन सा प्लान हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, जो सूटेबल है उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर दोगे। तो ये हो जाता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। व्हाई इट इज मेंटल एक्सरसाइज, भाई प्लानिंग में आपको सोचना पड़ता है, प्लानिंग में आपको प्रोज एंड कॉन समझने पड़ते हैं, प्लानिंग में आपको नेगेटिव पॉजिटिव के थॉट के बारे में सोचना पड़ता है, क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्सिव रिजल्ट आ सकते हैं उनके बारे में सोचना पड़ सकता है। तो ये क्या है, ये प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, जहां पे मैनेजर को बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनालाइज करना पड़ता है, सक्सेस फेलियर एनालाइज करना पड़ता है, एंड देन बाद में उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसी वजह से आप कह सकते हो कि प्लानिंग जो है वो आपका एक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे भी है। तो यहां तक समझ में आ गया चीनू एंड रिया? हाँ सर, आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। पहला क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। होता क्या है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना कुछ कर सकते हैं,
अपने तरीके से भी काम को अच्छे से करके अंजाम दे सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका ऑर्डर है, आपके इंस्ट्रक्शंस है कि जो प्लानिंग है उसको ही आपको फॉलो करना है। प्लानिंग के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नहीं जा सकता। मैनेजर के जो ऑर्डर्स हैं वही आपको फॉलो करने हैं, एज पर प्लान ही सब कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दैट मीन्स चीजें रिजिड हो जाती हैं, फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती, वो चेंज नहीं हो सकती सिचुएशन की नीड के हिसाब से। ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट है, प्लानिंग कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करेगा, या हो सकता है ना करे। प्लानिंग मे नॉट वर्क, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो कीप चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है वहां पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जब आप कर रहे होते हो तो आप एज्यूम करते हो कि जो सिचुएशन है वो ऐसी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोले कि हम हर हर महीने अपनी 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि हम 5,000 यूनिट बढ़ाने की सेल्स को भी हम फोकस करेंगे कि हम अपनी सेल्स को 100%, 110% या 115% या 5-5, 10-10% से पिछले मंथ के कंपैरेटिव इंक्रीज करेंगे, तो वो तो चलो ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन ही ऐसी हो जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जब एनवायरनमेंट बहुत तेजी से वो चेंज होते हैं तो बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वहां पे जो आपने प्लानिंग कर रखी है वो रेगुलर इंटरवल पे या रैपिड चेंज होने वाले इंटरवल सिचुएशन पे प्लानिंग वर्क नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी रिड्यूस कैसे होती है? देखो, हम अभी पढ़े कि हमें चीजों को जो प्लानिंग होती है वो इसीलिए होती है कि एडवांस में डिसाइड कर लेना कि क्या चीज एग्जीक्यूट करनी है, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कौन पर्सन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें आप पहले से डिसाइड कर लेते हो। तो इससे क्या होता है, इससे जब आप पहले से डिसाइड कर रहे होते हो दैट मीन्स आपके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज को इन सारे प्लानिंग्स के जो आपने प्लान्स पहले से डिसाइड किए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और जब उन एम्प्लॉयज को उन उन प्लान्स को फॉलो करना पड़ेगा तो उन एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी भाई? वो अपनी बुद्धि लगाएंगे नहीं, उनको प्लान के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। जब प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो वो क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट का मतलब क्या भाई? देखो, जो प्लानिंग बना रहे हैं, जो लोग प्लानिंग में बैठे होते हैं, ठीक है, वो बड़े साइंटिफिक और कैलकुलेटिव वे में फॉर्मूलेस को तैयार करते हैं, आइडियाज को देखते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं, जज करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉस्ट लगती है जो आपको वियर करनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग में आपका बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है। इसके अलावा प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजों को सोचना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, तो उसमें क्या टाइम लगता है, प्लानिंग इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, देन है आपका, प्लानिंग का नेक्स्ट डिमेरिट पॉइंट ये है कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं लेता। प्लानिंग डज नॉट टेक गारंटी फॉर सक्सेस। इसको ऐसे समझो, मान लो आपको आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अब आप उसके लिए पढ़ाई भी कर रहे हो एग्जाम्स देने के लिए, इसके अलावा आप फिजिकल भी प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को दौड़ वगैरह में, इन सारी चीजों में, बट आप सारी चीजें प्लान करके चल रहे हो, कोचिंग भी ले रहे हो, भाग दौड़ भी कर रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो, बट क्या आपको जॉब मिल सकती है, ये चीज 100% श्योर है? नहीं, ये चीज 100% श्योर नहीं है। सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम करे वो प्लान के अकॉर्डिंग करे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल डिसाइड करा है वो गोल ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएगी। नहीं, हो सकता है अचीव कर जाए, हो सकता है अचीव ना कर पाए,
हो सकता है उस गोल के बहुत आसपास तक ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली जो टीम है वो आ जाएगी उस गोल के आसपास तक। तो ये है हमारे प्लानिंग का लिमिटेशन। यहां तक समझ में आया चीनू अनरिया? हाँ सर, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए, आपको सेल्स टर्नओवर कितना चाहिए, या आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 200 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहती है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने का प्लान नहीं करेगी कि अचीवमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, तब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा पाएगी। जैसे मान लो कि हमें मंथ एंड में हमारी 3 ब्रांच होनी चाहिए, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। तो ये क्या, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम डिसाइड कर सकते हैं। या हम मान लेते हैं कि अब अभी हमारी कंपनी सिर्फ 4 प्रोडक्ट में डील करती है, लेकिन आज से 6 महीने बाद हमारी कंपनी सिर्फ 24 प्रोडक्ट में और डील करेगी। दैट मीन्स ये हमने क्या करा, ये हमने हमारा ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि भाई हमारी कंपनी 4 प्रोडक्ट में डील करती थी, अब हमारी कंपनी 6 प्रोडक्ट में डील करेगी, तो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया या ब्रांचेस बढ़ाना हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करने में होता है, या हमारा एनुअल या मंथली टर्नओवर टारगेट अचीव करना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको टीम चाहिए, आपको स्पेस चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेवलप करोगे प्रेमिसेस को, डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या है, आपको है ना यहाँ पे प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने के बाद किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी, फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनकी फोकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो चीजों को फोकास कर रहे हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऑब्जेक्टिव की तरह ही होना चाहिए, जो अचीव कर पाओगे आप, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव सेटिंग। देन आता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड प्रीमिसेस डेवलप, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, तो वो तभी हो पाएगा जब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चल पाओगे। अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पाओगे। अब देखो हर एक चीज को अचीव करने के अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे भाई कोई भी काम है उसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। अब आपने क्या करा, उनको पहले आइडेंटिफाई करना, यानी कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि एक काम एक गोल को आपको अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या तरीके हैं आपके पास, क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, उनको आइडेंटिफाई करना। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लो, अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हम लोगों ने प्लान करा कि हम लोग 4-5 दिन के लिए बाहर कहीं घूमने जाएंगे। ठीक है, अब वो बाहर घूमने का तरीका क्या है, हो सकता है हम बाय बस जाए, हो सकता है हम बाय कार जाए, हो सकता है बाय ट्रेन जाए, हो सकता है बाय एरोप्लेन जाए। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि हम बाहर किस तरीके से जा सकते हैं। बट ये तो हो गया आइडेंटिफाई करना, लेकिन इसमें से जो हमें बेस्ट सुटेबल होगा, जो हमें इसमें से बेस्ट सुटेबल होगा, उस ऑल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसको हम बिल्कुल सही एग्जीक्यूट कर बोल देंगे। रहे हैं।
यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसको एवेल्युएट भी करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट के नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, इन सारी चीजों को आपको जज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसमें से आप क्या करोगे, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट कर दोगे, यानी कि सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन सेलेक्ट करने के बाद हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि लागू करेंगे, इंप्लीमेंट द प्लान। एंड नेक्स्ट है आपका फॉलो अप एंड पिक एक्शन। 7 पॉइंट है फॉलो अप ऑफ एक्शन, फॉलो अप ऑफ एक्शन। अब ये एक्शन का मतलब क्या हुआ, जो परफॉर्म करना है हमने, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको फॉलो अप लेना होता है। तो ये हमारा फॉलो अप ऑफ एक्शन हो जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया चीनू, निखिल, रिया? ठीक हाँ है, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं आज की क्लास में जो जो टॉपिक हमने कवर की है। सबसे पहले तो प्लानिंग की डेफिनेशन कवर की है, फिर प्लानिंग के इंपॉर्टेंस कवर की। तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहला आता है कि भाई प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, फिर प्लानिंग हमारे जो रिस्क ऑफ अनसर्टेन रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं, प्लानिंग हमारी जो वेस्टफुल और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होता है उनको रिड्यूस करता है, प्लानिंग आइडियाज प्रमोट करने का काम करता है, और प्लानिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें डिसीजन लेने हैं उन डिसीजन को लेने में हेल्प करता है, एंड इसके अलावा प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कि हमें कंट्रोलिंग के क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर प्लानिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के, अगर हम फीचर्स की बात करें तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की बात करता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का पहला फंक्शन है, प्लानिंग हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, रेगुलर इंटरवल पे इसको एग्जीक्यूट करना होता है, और ये फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी कि फ्यूचर में आने वाले जो भी हमारे गोल है, जो टास्क है, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। प्लानिंग में काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है और एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। अगर हम डिमेरिट की बात करें तो प्लानिंग रिजिड हो जाता है। रिजिड का मतलब है अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सबको प्लान्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, वो अगेंस्ट टू प्लान नहीं जा सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग जो रेगुलर इंटरवल पे तेजी से बिजनेस में रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज होते रहते हैं, तो जब चेंज होते हैं तो वहां पे डायनेमिक एनवायरमेंट हो जाता है, और उस डायनेमिक एनवायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस हो जाती है, एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी ऐसे रिड्यूस हो जाती है कि एम्प्लॉय अपनी बुद्धि ही नहीं लगाएगा, उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही फॉलो अप करना पड़ेगा, बियॉन्ड द प्लान वो नहीं जा सकता। ठीक है, फिर देन है आपका प्लानिंग आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट रखता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इसके अलावा प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। अगर हम प्लानिंग की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है यह हमें सेट करना पड़ेगा, उन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके लिए हमें प्रेमिसेस चाहिए। जब प्रेमिसेस डेवलप हो जाएगी तो हमारे पास जो आइडेंटिफाई प्लान्स हैं उनमें से कोई बेस्ट प्लान होगा, वो प्लान हमें एग्जीक्यूट कर देना है, यानी कि उस प्लान को हम अब क्या करेंगे, लागू कर देंगे। तो लेकिन उसको लागू करने से पहले हमें उसको एवेल्युएट करना पड़ेगा, एवेल्युएट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और टाइम टू टाइम हम फॉलो अप लेंगे कि जो हमने एज पर प्लान सोचा था चीजें एज पर प्लान हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो हमें प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग के बारे में जो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया है। हमने कवर किया है प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, प्लानिंग की फीचर्स, प्लानिंग के प्रोसेस को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ प्लान और प्लानिंग वाले चैप्टर के ही हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का अगर किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। निखिल, चीनू, रिया?
सर नहीं पूछना, ठीक है। किनू, सारा आ गया। रिया आपको, ठीक है लीव कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। आज की क्लास का इतना ही है, ठीक पूछना है कुछ निखिल?